हेलो एवरीवन, सो वेलकम टू आवर न्यू टॉपिक। आज का जो टॉपिक है वो है प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन। ठीक है, तो देखिए, जैसे कि आप सबने देखा होगा, जैसे कि मैंने बताया, ये पूरा टॉपिक एनवायरनमेंट से रिलेटेड है। ठीक है, ये सब्जेक्ट ही एनवायरनमेंट चल रहा है, एनवायरनमेंट पॉल्यूशन। ठीक है, तो इसीलिए इसमें एनवायरनमेंट के टॉपिक बहुत हैं, तो ऐसे ही टॉपिक रहेंगे एनवायरनमेंट से रिलेटेड, पॉल्यूशन से रिलेटेड। ठीक है, तो जो भी अपनी इंडस्ट्री से होने वाले हार्म रहते हैं, तो उनमें जो पॉल्यूशन रहता है, वो जो अपने एनवायरनमेंट को पॉल्यूट करते हैं, उनसे हम कैसे बच सकते हैं, इनके बारे में बात की है। ठीक है, तो जो पॉल्यूशन है उनके लिए हम क्या प्रिवेंशन कर सकते हैं और क्या कंट्रोल कर सकते हैं, इनके बारे में बात की जा रही है। ठीक है, तो जैसे कि आपके यहाँ कोई भी इंडस्ट्री में वर्क चल रहा है, कंस्ट्रक्शन साइट चल रही है, मान लीजिए कुछ भी चल रहा है, तो आपको क्या है, जैसे कि एयर पॉल्यूट तो नहीं हो रही है आपके वहाँ से, तो क्या करेंगे, एयर सैंपल लेंगे, तो वहाँ से एयर सैंपल जब टेस्टिंग करी जाएगी तब पता चलेगा आपके यहाँ की एयर कितनी पॉल्यूट है, कितने हार्मफुल है, सांस लेने के काबिल है या नहीं। ठीक है, इस तरीके से रहेगी। तो जब भी ये सारी सैंपलिंग की जाती है तो सब चीज़ की जाती है, एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, एयर वाटर सब की जाती है। ठीक है, तो इसी तरीके से क्या है, जैसे कि जब भी अपन प्रिवेंशन देते हैं, तो अब जब अपने यहाँ से एयर सैंपलिंग हो गई तो अपन को पता चलेगा किन कारणों से एयर ज़्यादा पॉल्यूट हो रही है, जिन वजहों से हो रही है, तो हम क्या करेंगे, उनको रिड्यूस करेंगे। ठीक है, या फिर उन्हें हम एलिमिनेट करने की कोशिश करेंगे, उसे कैसे ट्रीट कर सकते हैं वो करेंगे, सेग्रीगेट करेंगे, डिस्पोज करेंगे। ठीक है, ये सारी चीज़ें क्या हैं, हम अपने यहाँ के वर्क प्लेस पे जो पॉल्यूशन हो रहा है उसको कंट्रोल करने के लिए ये सारे स्टेप्स, जो पांच स्टेप है, ये फॉलो करेंगे। जब हम ये पाँचों स्टेप फॉलो करते हैं तो कहीं ना कहीं हम सेफ चीज़ जनरेट वहाँ कर सकते हैं। जैसे वहाँ के एयर में अगर दिक्कत है, हवा में दिक्कत है, तो क्या करेंगे उसके लिए, ये सारी पांच चीज़ें हमने अप्लाई करी। जब हमने पांचों चीज़ें अप्लाई करी तो क्या हुआ, वहाँ पे पांचों चीज़ें अप्लाई करी तो हम कहीं ना कहीं, हो सकता है कि जो पॉल्यूशन वहाँ हो रहा है, जिस भी चीज़ से पॉल्यूट हो रहा है, तो उसको क्या हम कंट्रोल कर सकते हैं। और जब हमने कंट्रोल करना शुरू कर लिया, उस चीज़ों को कंट्रोल कर लिया, तो क्या हमारे यहाँ का एयर जो है वो पॉल्यूट नहीं रही अब। ठीक है, तो एक चीज़ से हम यहाँ बच गए। ऐसे ही साथ में देखिए, बहुत सारे पॉल्यूशंस रहते हैं, जैसे कि एयर नॉइस पॉल्यूशन हो रहा है। ठीक है, तो ये सारे पॉल्यूशंस रहते हैं, हैजार्डियस वेस्ट से पॉल्यूशन हो रहा है, हैजार्ड पॉल्यूशन हो रहा है, इस तरीके के पॉल्यूशंस है। तो वो तभी होता है जब हम अपनी इंडस्ट्री में ठीक से जो सिस्टम चल रहा है उसको एज अ सेफ्टी नहीं देख रहे होते हैं, ऐसे इन्वायरमेंट सेफ्टी नहीं देख रहे होते। हम सिर्फ ये सोचते हैं हमारे यहाँ की मैन्युफैक्चरिंग हो, हमारे यहाँ का प्रॉफिट हो, बस यही चलता रहे, तो कहीं ना कहीं वो सारी चीज़ें सिर्फ वहीं तक सीमित रह जाती हैं। पर जब हम अपने आसपास के बारे में भी सोचेंगे तो हम उसके लिए कुछ करेंगे, जब हम सिस्टम उसको अप्लाई करेंगे सिस्टम को, तो हम कहीं ना कहीं बहुत हद तक अपने वर्क प्लेस को सेफ कर पाएंगे। तो देखिए, जो होने वाले पॉल्यूशन है जो अपनी इंडस्ट्री से निकल रहे हैं, एटलीस्ट उन पर तो हम कंट्रोल कर ही सकते हैं, क्योंकि जब लीगल कंप्लायंसेस जो बनाए गए हैं इंडस्ट्रीज़ के लिए, उसमें ये सारी चीज़ें बहुत ही मेन हैं। तो अगर क्या हो रहा है कि अगर आप उसे नहीं अप्लाई कर रहे हैं, तो लीगल कंप्लायंसेस कहीं ना कहीं आप फॉलो नहीं कर रहे हैं, और जब इंस्पेक्शन हुआ तो आपकी कंपनी बंद हो सकती है। तो बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत होती है इन्वायरमेंट पर। ये है हायरार्की है ये पॉल्यूशन प्रिवेंशन की, जिसमें जो कि मैं बता चुकी हूँ आपको, इन प्रोसेस रिसाइकलिंग, एनर्जी रिकवरी करना, ठीक है, रीयूज़ करना, कोशिश करें जो भी हम कर रहे हैं उसे रीयूज़ करें, पॉल्यूशन ना हो पाए। जैसे कि वाटर है, अब वाटर जो है पॉल्यूट हो गया, एक बार डर्टी वाटर हो गया, ठीक है, उसको हम फिर से ट्रीटमेंट प्लांट लगाएं और उसे दोबारा से उसी वाटर को ट्रीट करके दोबारा से यूज़ में लें। पीना तो है नहीं है, हमें वर्किंग के लिए ही तो चाहिए, तो हम ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। ठीक है, या फिर हमें उसे रिड्यूज़ करें, वो सारी चीज़ें अवॉइड करें। तो ये हायरार्की होती है किसी भी चीज़ को हैंडल करने की, टैकल करने की। ठीक है, तो देखिए, इन्वायरमेंट जो है उसको सेफ़ रखना हमारी ड्यूटी है, क्योंकि वर्कप्लेस जो भी है, इंडस्ट्री है, उससे जो निकलने वाले हार्मफुल चीज़ें हैं वो कहीं ना कहीं इन्वायरमेंट को नुकसान करेंगे। इन्वायरमेंट का नुकसान होगा तो समझ लीजिए हमारा ही नुकसान हो रहा है, क्योंकि होने वाले जो भी खेत हैं या कुछ भी है, तो अगर एयर पॉल्यूट रहेगी, वाटर पॉल्यूटेड रहेगा, तो वो सब फसल जो है वो भी नहीं लगेगी। ठीक है, तो कहीं ना कहीं कुल मिला के नुकसान हमारा ही होना है। तो अगर हम इन सारी चीज़ों में सेफ्टी रखें, ठीक है, अपने इन्वायरमेंट को ध्यान में रखते हुए सारे वर्क करें, तो हम सेफ रह तो सकते हैं एटलीस्ट।
हम अब देखिए इससे दो चीज़ें हो रही हैं, खुद तो सेफ रहेंगे ही साथ में हमारी इंडस्ट्री भी सेफ रहेगी, ठीक है। तो जो मेन मोटिव है इसका वो यही है कि आप अपने वर्क प्लेस पर सेफ्टी रखने के साथ साथ पॉल्यूशन फ्री भी उसे रखें, ठीक है। पॉल्यूशन फ्री रहेगा तो कहीं ना कहीं आपको किसी चीज़ का डर नहीं रहेगा, मतलब इसका मतलब अगर पॉल्यूशन फ्री है तो कुल मिला के समझ लीजिए आपके यहाँ जो सारा प्रोसीजर है वो फॉलो किया जा रहा है, क्योंकि सैम्पलिंग होगी चीज़ों की, सैम्पलिंग में अगर दिक्कत आती है तो आपको भी दिक्कत आनी है। तो अगर आप पहले से ही ठीक रखते हो तो सैम्पलिंग भी अच्छे से हो जाएगी और कोई ऐसी प्रॉब्लम फेस करनी भी नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो आज ये मैंने आपको एनवायरमेंट पॉल्यूशन है, ये एनवायरमेंट एंड पॉल्यूशन इस टॉपिक में आपको मैंने ये समझाया, प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन। तो इस तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि सैम्पलिंग करेंगे तो हमें ऑब्जर्व कर पाएंगे कि कहाँ से ये हो रहा है, और जब हमने ऑब्जर्व कर लिया तो हम उस पर कमांड कर पाएंगे और उसे रिस्क को एलिमिनेट कर पाएंगे, ठीक है। सो थैंक यू।